नमस्कार दोस्तों. सो माय नेम इज क्रिस्टल सीरी. आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है महावतार बाबा जी के बारे में, और ये कहाँ पैदा हुआ है और कैसे इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. जनरली हम क्या करते हैं, कोई महान व्यक्ति है तो उनको फॉलो करते हैं, मगर बचपन से मेरा ये जिज्ञासा है. मेरा फादर कोई भी खिलौना लेके आते थे, मेरे मम्मी कुछ मेरे लिए लेके आते थे, तो वो चीज बहुत अच्छी है तो लोग उसको इस्तेमाल कर लेते था और मजा लेते हैं जनरली बच्चे, मगर क्या है इसके अंदर कि ये चीज इतनी मजेदार बनी है, तो वो फाइंड आउट करती थी. फूड में भी कोई चीज अच्छी बड़े टेस्टी है तो ये कैसे प्रिपेयर होती है, तो उस पर दिमाग लगाती थी. और कोई भी चीज है ओनली वो क्या होता है, कोई वस्तु आपको पसंद आ गए उस वस्तु के साथ आपने यूज करके उसको खत्म कर लिया तो वहां दी एंड होता है, मगर इसका जो रीजन बिहाइंड दैट ये इतने मजेदार बनके और हमारा इतना उपयोग में कैसे आया, इसका जो सीक्रेट हमको मालूम चलते हैं तो ये कहीं भी हम अप्लाई कर सकते हैं. वैसा ही मैंने महावतार, कोई भी महान पुरुष है, कोई भी महान व्यक्ति है तो हजारों लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या एनर्जी है या क्या इनका व्यक्तित्व है तो इतनी लोग उनको फॉलो कर रही है, उस व्यक्तित्व को हम अपनाना है. सो उसी दौरान उसी रास्ते में मैंने महावतार बाबा जी को, जैसे सब लोग फॉलो करते हैं, मगर मैंने इनको फाइंड आउट करना शुरू किया था. फॉलो करना इज समथिंग अ बिट डिफरेंट फ्रॉम फाइंडिंग आउट. सो मैंने महावतार बाबा जी के बारे में फाइंड आउट करना शुरू किया था और क्या एनर्जी है जो इनके पास, जो इस तरीके की शक्ति आई है. और हम सब सोच रहे हैं कि महावतार बाबा जी नॉर्मली मेडिटेशन करते थे, मगर मेडिटेशन के अलावा ये कोई कई साधनाएं करते थे, तो वो साधनाओं के नाम के साथ इस एपिसोड में मैं आपको कई तरीके की विद्याओं की नाम भी समझा दूंगी जो भी बाबा जी ने प्रैक्टिसेस किए थे तो इनको चिरंजीवत्व मिली है. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. सो महावतार बाबा जी की पेरेंट्स सुब्रमण्येश्वर स्वामी की टेम्पल में अर्चक पूजारी है, मीन्स प्रीस्ट है. दिस इज इन तमिलनाडु. मीन्स जो कुमार स्वामी है या सुब्रमण्येश्वर स्वामी है, षणमुगम है, आरमुगम है, जो भी कार्तिकेय है, जो भी नाम आप बताइए, ये सब शिव जी का, गणेश के अलावा जो दूसरा सन है कार्तिकेय, इन्हीं को हम सुब्रमण्येश्वर स्वामी कहते हैं. जो भी मार्स ग्रह है उस मार्स ग्रह की एनर्जी और उस मार्स ग्रह की एवरीथिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये ही सुब्रमण्येश्वर स्वामी का ही एनर्जीज है. किसी को भी कुछ दोष हो, सर्प दोष हो, काल सर्प दोष हो और अपसव्य काल सर्प दोष हो या मंगल दोष हो, मंगलिक हो, जो भी आप कहो, ये सब चीजें की निवारण के लिए हम इन्हीं सुब्रमण्येश्वर स्वामी का ही पूजा पाठ करते हैं. और कई इंसान का कंफ्यूजन स्टेट है, डर है, डाइवर्स है और मैरिज की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और ये इंसान को संसार करना है या सन्यासी बनना है उस पर भी क्लैरिटी नहीं है. शादी तो कर लिया मगर फैमिली लाइफ लीड कर नहीं पा रहे, सन्यासी तो बन गया मगर वो भी लाइफ लीड कर नहीं पा रहे, ऐसा जो भी इनके अंदर व्यक्तित्व है उसमें विकास नहीं हो रहे हैं. ओके सो इन सब चीजों को हम मंगल ग्रह से ही ट्रीट करते हैं और स्वादिष्टान चक्रा से ही हम ट्रीट करते हैं. ओके सो फर्स्ट द बिगिनिंग ऑफ महावतार बाबा जी के पेरेंट्स से हम स्टार्ट कर लेंगे. महावतार बाबा जी कावेरी निवर रिवर के पास तमिलनाडु में इनकी जन्म हुआ है और इनका पेरेंट्स सुब्रमण्येश्वर स्वामी की टेम्पल में अर्चक पूजारी है, इनके मदर एंड फादर. ओके सो इनका ये मदर एंड फादर की रियल फोटो है, आप देख सकते हैं ना. यस yes, दिख रहा है मैम जी. इन महावतार बाबा जी के पेरेंट्स है ये दोनों, तमिलनाडु इनके शादी के टाइम की फोटो है ये, इसके बाद ये ओल्ड एज का फोटो है ये महावतार बाबा जी के पेरेंट्स का. और महावतार बाबा जी रोहिणी नक्षत्र, जो कृष्ण जी की जो नक्षत्र है उसी नक्षत्र में पड़ल गोत्र में और कार्तिक पौर्णमी के दिन पैदा हुआ है, कार्तिक मास की पौर्णमी के दिन पैदा हुआ है. एंड अगेन उस दिन का एक और विशेष है, सुब्रमण्येश्वर स्वामी तारकेश्वर जो स्वर्गलोक में देवताओं के ऊपर दंड यात्रा किया था तो उन सब
वो तारकेश्वर को जो संहार किए थे सुब्रमण्येश्वर स्वामी, ये कार्तिकेय है, आप देख सकते हो ना, इस कार्तिकेय जिस दिन उस राक्षस की संहार किया था, फिर सही वो ही दिन पे महावतार बाबा जी धरती पे पैदा हुआ है। सो दिस इज अ वेरी वेरी एस्पिशियस डे। कार्तिक पौर्णमी ऐसा ही एस्पिशियस है सारे पौर्णमी में। और वो रोहिणी नक्षत्र जो कृष्ण जी ने पैदा हुआ है तो वो नक्षत्र है, और तारकेश्वर राक्षस की संहार होके सारे देवताओं को मुक्त मिला है इन राक्षसों से, वो दिन में महावतार बाबा जी पैदा हुआ है। फिर इनका नाम रखा गया नागराजन। जैसे आंध्र प्रदेश के लोग है तो नागराजू लगाते हैं, तमिलनाडु के लोग है तो नागराजन वेंकटेश्वरन यन उस टाइप की वो लगाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है तो वेंकटेश्वर राव ऐसी लगाते हैं, जैसे एरिया की जस्ट वो आखिरी की, जैसे गुजराती है तो बेन ऐसे लगाते हैं ना, तो वैसे ही वो फर्क है। तो नागराजन, असल में नागराजन का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ स्नेक्स। नागराजू का मतलब लॉर्ड ऑफ स्नेक्स मीन्स, स्नेक का मतलब क्या है, जैसे हम देख रहे हैं किंग कोबरा अनाकोंडा, ये नहीं है, कुंडलिनी शक्ति की राज। सो हू कैन अवेकन देयर कुंडलिनी शक्ति इज कॉल्ड एज नागराज। नागा का मतलब अति, बहुत फास्ट से मूव करने वाला चीज को नागा कहते हैं, द फास्टेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को नागा कहते हैं। ओके सो ये सर्प रूप में जो हमारा कुंडलिनी शक्ति में निद्रावस्था में है, इसको जागृत करके इसके ऊपर कमांड करने वाला किंग को नागराजू कहते हैं। और ये अपना एक को नहीं है, अनेक लोगों को ज्ञान देके, अनेक लोगों के अंदर, हर एक के अंदर जो भी कुंडलिनी शक्ति है उनको अवेकन करवाने के लिए इंट्यूशन देने वाले शक्ति वाला इंसान है नागराजू, द किंग ऑफ स्नेक्स। ओके सो दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ सुब्रमण्येश्वर स्वामी, वेर महावतार बाबा जी के पेरेंट्स प्रिस्ट जैसा काम करते थे। ओके मुझे महावतार बाबा जी की छोटा पिक्चर नहीं मिला, मैंने दूसरा पिक्चर ले लिया, ये मत सोचना ही महावतार बाबा जी है। यस अच्छे लग रहे पर मैम। सो महावतार बाबा जी की लाइफ में एक 5 मेजर इंसिडेंट्स है जो नागराजन जी महावतार बाबा जी बनने के लिए। एक दिन नहा महावतार बाबा जी की मदर ने इस कटल, पका हुआ कटल को आंध्र प्रदेश में साउथ इंडिया में बहुत पसंद से खाते हैं, फिर ये पका हुआ कटल को घर पे लेके आके रखे थे। तो बाबा जी ने देख के, नागराज जी ने देख के, बहुत खुशबू देती है फ्रूट, बहुत ज्यादा खुशबू देती है, बहुत मधुर फल है ये, तो इसको काट के ये पूरा खा लिया। जैसे इनकी मम्मी आए थे तो पूरा फ्रूट काट के खा के इनको डस्टबिन में सारे वेस्ट मिला था, तो इनके मम्मी को बहुत गुस्सा आके क्या किया था, इनके पूरे मुंह पे पट्टी बांध ली इनकी मम्मी ने, नागराजन जी की मम्मी ने पट्टी बांध ली। बांध लिया तो इनको सांस नहीं मिला था, सांस नहीं मिले तो फिर थोड़ी देर के बाद महावतार बाबा जी को सहज कुंभ स्थिति मिली है। नॉर्मली सांस नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, बहुत उलट पुलट होके लोग मर जाते हैं और सांस लेने की दिक्कत आते हैं और फेंट हो जाते हैं, मगर इनको सहज कुंभ स्थिति मिलके बिना सांस लिए भी वो पेट को खाली रख के फिर वो कुंभक में रहने की नॉलेज अपने आप वो बॉडी टर्न हुआ है, फिर ये सहज कुंभ स्थिति मिली। फिर इसके बाद वो साइलेंट में कुछ भी हलचल नहीं कर रहा, साइलेंट में बैठ गए, तो इनको मम्मी को डर लग के फिर वो जो बांधा था मुंह पे वो निकाला था। तो फर्स्ट टाइम है जो बाबा जी को ये कुंभक स्थिति मिली थी, तो दिस इज अ जैक फ्रूट। ओके एंड नेक्स्ट, फिर इसके बाद घर में तो पूजा पाठ चली रहे, तो पिंक प्रिस्ट का फैमिली है और ये सुब्रमण्येश्वर स्वामी की फॉलोअर्स है, दादा परदादों ये सब लोग, तो इनकी जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी पूरा सुब्रमण्येश्वर स्वामी की एनर्जीज के थ्रू महावतार बाबा जी ने पैदा हुआ है, इनके पेरेंट्स भी उसी मंदिर में प्रीस्ट है। इसके बाद जब महावतार बाबा जी को 5 ईयर्स एज है तो एक
अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान उस एरिया में से एक चोर ने बाबा जी की अपहरण किया था, किडनैप किया था. सो फिर वो कलकत्ता की तरफ लेके जाके वहां किसी को इसने सेल कर दिया, बेच लिया बच्चे को. तो 5 साल महावतार बाबा जी किसी के पास स्लेव जैसा काम किया था. 5 साल के बाद फिर इस लड़का की बिहेवियर और बहुत नम्रता और इनकी जो विद्या बुद्धि और सही तरीका की बिहेवियर्स ये देख के फिर उन्होंने, नहीं बेटा मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप अपना जो संत तरीका की जो बिहेवियर है इनको आगे बढ़ाइए, बोल के फिर कई लोग वहां से काशी यात्रा पे जा रही है, महर्षियों जा रहे, तो फिर उनके साथ ही इसने छोड़ दिया. तो महावतार बाबा जी कलकत्ता से फिर वहां से ये काशी यात्रा पे गए थे संत लोगों के साथ. फिर वहां जाके इन लोगों ने कई साधना किया था और संत के साथ कई बुक्स इन्होंने पढ़े थे और इनके साथ छोटे मोटे जो भी साधना होती है, मेडिटेशन होते हैं और संध्या वंदन होते हैं, सूर्य नमस्कार होते हैं, ये सब चीजें सीख रहा था. तब बाबा जी की उम्र है 11 ईयर्स, 11 साल की उम्र में ऑलरेडी बाबा जी की नस नस में और पास्ट लाइफ की जो भी पुण्य है और ब्लड में भी सुब्रमण्येश्वर स्वामी की और पूजा पाठ की ऑलरेडी वो इंग्रेडिएंट्स तो इंसान के अंदर तो है ही, वो क्षमता तो. और ये उस पर्सन को अभी विमुक्त मिलके और ये साधु लोगों के साथ और मिल गया, तो और फिजिकल में भी जो जो ज्ञान मिलना है वो तो मिल ही रही है. ओके सो ये मिलते मिलते फिर इन लोगों ने क्या किया था, धीरे धीरे वहां से ये सब साधु लोग, ये काशी है, यहां से साधु सारे लोग क्या किया था, श्रीलंका पहुंच गया था पैदल पैदल. फिर वहां से बोट में जाके, आपको पता है श्रीलंका तमिलनाडु से श्रीलंका जस्ट इट्स लाइक 45 मिनट्स फ्लाइट में, अभी भी हम बैठते हैं नाश्ता खाने के पहले हम उतर जाते हैं. ओके सो ये लोग काशी से श्रीलंका गए थे. श्रीलंका में कतिरगम क्षेत्रम, अभी भी वो टेम्पल है, दिस इज द टेम्पल. ओके सो श्रीलंका में जो कतिरगम क्षेत्रम है वहां ये लोग पहुंचे थे साधु संत लोग. तो वहां एक भोगनाधर बोल के ये महावतार बाबा जी की फर्स्ट गुरु है. ओके फिर ये गुरु ने महावतार बाबा जी को कई क्रियाएं सिखाया था और ये भोगनाधर जी ने वहां एक मंदिर, जो अभी ये मंदिर हम बता रहे हैं, ये कतिरगम क्षेत्र इन्होंने ही निर्माण किए थे और अभी भी ये इस क्षेत्र में सुब्रमण्येश्वर स्वामी, वो ही अगेन कुमार स्वामी सुब्रमण्येश्वर स्वामी की का ही ये टेम्पल है, मगर वहां कोई भी विग्रह नहीं रहती है. यंत्र रूप में मार्स की एनर्जीज को यंत्र रूप में वहां निक्षिप्त किया गया है. अभी इन दिनों उसको, उस यंत्र को लोगों ने बंद करके अंदर रख रखा, ओनली पूजा पाठ टाइम में वो पुजारी निकाल के उसको पूजा पाठ करके फिर अंदर रख रहे हैं. पहले तो लोगों के लिए दर्शन के लिए भी वो देते थे, अभी तो दर्शन के लिए उसको बाहर नहीं रख रहे. दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल यंत्र ऑफ सुब्रमण्येश्वर स्वामी. डायरेक्ट फ्रॉम द मार्स वहां एनर्जीज धरती पे आते थे. कोई भी किसी प्रॉब्लम के लिए जाते हैं तो वहां डेफिनेटली नेगेटिविटी निकाल के उनकी कुंडलिनी शक्ति रेज करके किसी भी चक्र स्थिति पे वो स्थिरत्व होने जितना हाई पावरफुल टेम्पल है वो श्रीलंका में. वहां बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों वहां आके अपनी पूजा पाठ हो, मेडिटेशन हो और जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो वहां करते थे. ये भोगनाथ अय्यर है. ओके फिर इन्होंने, जब भोगनाथ जी ने महावतार बाबा जी को कई प्रैक्टिसेस जब बताया था, इन्होंने वो प्रैक्टिसेस करना शुरू किया. प्रैक्टिस करना शुरू करके एक वड़ा वृक्षम बोलते हैं उसको, मीन्स जो बहुत बड़ा पेड़ जिसके ऊपर जैसे हजारों चिड़िया भी अपने घर बना लेते हैं, घोंसले बना लेते हैं, और पेड़ हम 8-10 लोग
हक करेंगे तो भी वो राउंड हो नहीं पाता, जैसे बड़े बड़े पेड़ होते ना उस पेड़ के नीचे, वैसे बड़े पेड़ के नीचे ये मेडिटेशन करना, अपना साधना करना शुरू कर लिया था। तो सही 6 महीने में कुमार स्वामी को, महातर बाबा जी को कुमार स्वामी की दर्शन मिली है, इन्होंने इसकी दर्शन दिया, दर्शन देके फिर इनको क्या दिया था, चिरंजीवत्व। इस धरती जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होती है तब तक बाबा जी जवान ही रहेगा और बॉडी वेकेट नहीं करेगा। ये सुब्रमण्येश्वर स्वामी ने महावतार बाबा जी को ये गिफ्ट दे दिया है, ये पावर्स दिया है। मगर एस्ट्रली तो ये पावर आ गया, मगर फिजिकली बॉडी के अंदर भी वो पावर आना चाहिए। ओके, अपने क्लास में तो ज्वाइन हो गया मगर वो करके तो पास भी तो होना चाहिए ना, वैसा वो पावर चाहिए। फिर ये पावर मिलने के बाद, ये आशीर्वाद मिलने के बाद, फिर वो पावर को अचीव करने के लिए जैसे भोगनाथ जी ने सुब्रमण्येश्वर स्वामी को अगस्त्य महामुनि की प्रसन्न करके वो जो भी आदेश करता है, निर्देश करते हैं, तो आगे इनकी निर्देश में आगे जाने के लिए इनको सलाह दिया था। फिर तब महावतार बाबा जी ने श्रीलंका से कुरतालम, आपने कभी सुना कुरतालम, ये साउथ इंडिया में टेंपल है। माता जी की 84 टेंपल्स में ये श्रीयंत्र बनी हुई है, ये कुरतालम टेंपल भी एक है, ये भी सुब्रमण्येश्वर स्वामी की बहुत पावरफुल टेंपल है, कुक्की कुरतालम ये सब। सो ये अगस्त्य महामुनि ने वहां ये टेंपल की सही कई चीजें इन्होंने स्थापित किया था, तो इन्होंने वहां से कुरतालम के लिए निकल के महातार बाबा जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीशन लिया था कि जब तक अगस्त्य महामुनि की दर्शन नहीं होती है और ये आगे मार्ग निर्देश नहीं करता है तो मैं इधर से कुरतालम की एरिया में से मुझे निकलना नहीं है। ओके, सो ये किया था। अभी हम अगस्त्य महामुनि के बारे में 2 मिनट बात करेंगे। ये अगस्त्य महामुनि के नाम कभी सुना आपने? ये अगस्त्य महामुनि इज द वेरी वेरी एंशियंट ऋषि है इस धरती के ऊपर। जिस दिन से ये धरती बनी है और जब तक ये धरती डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इस धरती के ऊपर पैदा हुआ हर इंसान की कुंडली, पीछे की 7 जन्म आगे की 7 जन्म की इन्होंने ताड़पत्र ग्रंथ में लिख के तमिलनाडु की टेंपल में अभी भी है। अभी भी लाखों से भी करोड़ों लोग अपना थंब इंप्रेशन देके ये रीडिंग लेते हैं। अगस्त्य नाड़ी, इसको क्या बोलते हैं, अगस्त्य नाड़ी बोलते हैं। और मेरा 10th क्लास से ये अगस्त्य महामुनि मेरा गुरु है। मैंने बाय मिस्टेक कहीं ये देख लिया था इनका फोटो, मुझे बहुत पसंद आया किसी तमिलनाडु वाले के पास, ये कौन है। मैं 10 बार 15 बार पूछने लग गया, मुझे आंसर नहीं मिला उनसे, मैं मांग के वो फोटो लेके आ गए थे। तो मुझे एक इंट्यूशन आया, फिर उससे मैंने नेट में सर्च किया और भी पंडितों को पूछा, तो ये मुझे पता चला ये अगस्त्य महामुनि है। तो इनके बारे में बहुत मैंने खोजा था, तो डेली हम अभी भी इनसे बहुत इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। हर एक इंसान जो भी धरती में पैदा हुआ, फॉरेनर हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, अटलांटिका में हो, इंसान के रूप में धरती में पैदा हुआ, इसका नसीब लिखा था पूरी 7 जन्मों पीछे का, 7 जन्मे आगे का, मनुष्य तक इन्होंने पूरा लिखा था। नहीं, पावरफुल पर्सन है। और इन्होंने कुछ परेशानी आया था देवताओं को, कुछ समुन्दर को क्रॉस करना है तो इन्होंने बोलते ना हम कुल्ली करते ना, तो पूरा समुन्दर को अपने अंदर एक कुल्ली में ले लिया था, लेके फिर देवताओं को रास्ता दे दिया, फिर देवताओं क्रॉस करने के बाद फिर वापस समुन्दर को छोड़ दिया था, एक कुल्ली में पूरी समुन्दर को अपने अंदर रख लिया। ये बोले तो सूरज को भी रुकना पड़ता था, संध्य को भी रुकना पड़ता था, इतना पावरफुल महर्षि है। किसी भी चीज को मीन्स ये कंट्रोल कर सकते थे।
ये सब महान व्यक्ति हैं अगस्त्य महामुनि. इनका हाइट था 4.5 फीट हाइट था, ऊंचे हाइट नहीं था, शॉर्ट था ये अगस्त्य महामुनि. सो ये अगस्त्य महामुनि के लिए फिर इनकी आगे जो भी प्रैक्टिसेस ये बताने के लिए फिर महावतार बाबा जी ने कुरतालम पहुंच के फिर वहां दोबारा ये तपस्या करना शुरू कर दिया. यहाँ जब महावतार बाबा जी तपस्या कर रहे थे, करते करते 48 डेज कंप्लीट होने के बाद पूरा महावतार बाबा जी की बॉडी मीन्स अपना एनर्जी लूज होना स्टार्ट हुआ था. तो 48th डे कंप्लीट सबकॉन्शियस में धीरे धीरे जा रहे थे. तो उसी वक्त ये एक स्टोरी भी बताते हैं, मगर हमारा इस क्लास में बहुत लंबा हो जाएगा. तो अगस्त्य महामुनि ने महावतार बाबा जी को दर्शन दिया था देके, फिर वहां क्रिया योगा में बहुत टॉपिस्ट साधना है वासी योगम बोलते हैं. इसमें आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको वसी योगम आते हैं. वो कुंडली में होता है, वो सूर्य की वजह, वो नहीं. ये क्रिया योगा में द हाईएस्ट है वासी योगम. ओके, सो आप कोई भी प्रैक्टिस मत करना, ये बहुत तमाशा बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है. तो वी कैनॉट डू दिस, इसके लिए बहुत गुरुमुख से ही करना है. वो वासी योगम, वासी योगम का मतलब ये है शिवा साक्षात शिवा ही ये वासी योगम है. ऐसा जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो शिवा के साक्षात्कार होती है. ये वासी योगम, ये ब्रीथिंग टेक्निक शिवा ने पार्वती देवी को बताया था, फिर पार्वती देवी ने नंदी को सिखाया था. नंदी की थ्रू भूलोक वासियों को ये पता चल गए थे ये ब्रीथिंग टेक्निक. अभी फिलहाल मैक्सिमम इसका प्रैक्टिशनर्स 2% कर्नाटका में है, 1% आंध्र प्रदेश में है. नॉर्थ इंडिया में तो कहीं इसका मीन्स अभी तक मुझे तो कोई मिला नहीं. महापंडित को हम मिलते रहते हैं, मगर नॉर्थ इंडिया में इसका प्रैक्टिस नहीं है. तमिलनाडु में 5-10% इसका अभी भी प्रैक्टिशनर्स है, और ये बहुत रेयर प्रैक्टिस है और ये इजी नहीं है. अब जब जो भी इंसान ये प्रैक्टिस करते हैं वो हिमालय में आराम से स्नो के बीच में बैठ सकता है और हवा में भी चल सकता है, और इसके ऊपर आग से ये जल नहीं सकता है. जो भी हमारा नाग साधु हैं, नाग भैरव लोग हैं, जो भी हिमालयास में योगीज हैं, ये दिस इज द मेन प्रैक्टिस व्हाट दे डू. ये प्रैक्टिस जो भी इंसान करके इसको सक्सेस हो जाते हैं, इनका सेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है. इसको ये कहा जाते हैं अर्थ कब तक डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये आदमी को तब तक मौत नहीं है. ये आदमी इस धरती को छोड़ के नहीं जा सकता, जाने की जरूरत नहीं है. बॉडी डीकम्पोज होती नहीं है, सोल बॉडी को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है. और जैसा चाहिए वैसा गरिमा सिद्धि लघिमा सिद्धि मीन्स बड़ा करना है, हनुमान जी जैसे छोटा करना है, और डिसअपियर होना है, और एक ही बार दो जगह आपको अपीयर होना है, तो कुछ भी आप कर सकते हो. हम जो भी ऐसी प्रैक्टिसेस करके इस पे जो बॉडी को और ब्रीथिंग पे अपना टेक्निक्स, जैसे हम कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू अभी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सही कर रहे हैं, इसी को हम मैजिक समझ रहे हैं और बहुत हमने पाया समझ रहे हैं. फिर देवता, फिर हम मनुष्य में से भी थोड़ा एक मेडिटेटर एक लेवल आगे है ना. मेडिटेटर से कई लोग मास्टर्स है, वो लेवल आगे है. वहां से अवधूत एक लेवल और आगे है. गुरुजी पंडित जी जैसे एक लेवल आगे है. जो भी नॉर्मली मनुष्य ही, कई लोग इस तरह के ब्रीथिंग टेक्निक्स का ही काम करके फिर ये लोग ऐसा बने हैं. तो हर चीज की कहीं भी ऐसा नहीं बताया कि एडम एंड ईव है एप्पल खा लो, एडम एंड ईव है एप्पल खा लो, शैतान आएगा उसको जवाब दे दो, है ना. ऐसा कहीं भी नहीं बता गया है हमारे में. ये है ब्रीथिंग टेक्निक है. कहीं भी जाइए, कुछ भी साधना कर लीजिए. ये तो आहार के नियम बताया, दूसरा अपनी सोच के नियम बताया, तीसरा आपकी ब्रीथिंग के नियम बताया गया है. ये तीनों चीज हमारा हाथ में ही है, और हम मनुष्य जैसे पैदा होके ये तीनों काम हम आराम से कर सकते हैं.
फिर आप अपन के गुण चेंज करो, गण चेंज करो और देवी देवता बनने के लिए और हमेशा बॉडी को रखने के लिए और मौत को जीतने के लिए और चिरंजीवी बनने के लिए हमारा एंशियंट्स ने ऑलरेडी सारा रास्ता हमको बता गया है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज वासी योगा. वा, ये इस पे एक्चुअली क्या है, हमारे अंदर 72,000 नाडीज है. ये 72,000 नाडीज में से 10 नाडियों को इम्पोर्टेंटली हम लेते हैं. उस पे जो मेन एक सिंगल नाड़ी है दैट इज सुषुम नाड़ी. ओके, जो सुब्रमण्येश्वर स्वामी की शूल है, जो मेरे बगल में आप शूल देख रहे हो, इसके अंदर जो रेड कलर की बिंदी आप देख रहे हो, वो ही जो हम अभी लगा रहे हैं बिंदी, वो इसका रिसेंबल है. जब सुषुम नाड़ी एक्टिवेट होती है, वही हमारे थर्ड आई के पास से एक्टिवेट होते हैं. ये इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम नाड़ी तीनों एक्टिवेट होना है. तो सुब्रमण्येश्वर स्वामी, पल्ली और देवसेना, इनका दोनों वाइफ और सुब्रमण्येश्वर स्वामी, इन तीनों की एनर्जी फ्लो होता है मार्स ग्रह से, तो ही हमारा सुषुम नाड़ी ओपन होती है और तभी हम स्वर बदल सकते हैं और सुषुम नाड़ी एक्टिव होती है. और ये शूलम जो आप देख रही हो, दिस शूलम इज अवर बैकबोन. इस शूलम को हमारा बैकबोन बोलते हैं. सो अगस्त्य महामुनि ने महावतार बाबा जी को ये वासिक क्रिया समझाया था और महावतार बाबा जी ने ये वासिक क्रिया किया था, तो तभी इनकी फिजिकल बॉडी में ये चिरंजीवत्व आ गई है. फिर वहां से नेक्स्ट स्टेप बाबा जी ने क्या किया, फिर अगस्त्य महामुनि ने इनको गाइड करने से ये फिर बद्रीनाथ पहुंच गया है. 18 मंथ्स क्रिया योगा प्रैक्टिस किया था बद्रीनाथ में बैठ के महावतार बाबा जी. सो ये क्रिया प्रैक्टिस करने के बाद फिर वहां जब इन्होंने 11 साल में 11 इयर्स एज में जब साधु लोगों के पास जो भी बुक्स पढ़ा था, महावतार बाबा जी ने जो भी बुक्स पढ़े थे और जो भी इनका पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस थे और इनकी डीएनए में जितने भी अपने एंसेस्टर्स की ऑलरेडी पूजा पाठ की और भगवान की जो प्रेयर करने की सारे शक्ति थे, वो सब इनके अंदर जागृत होना शुरू हुआ था. तब महावतार बाबा जी ने सौरभ समाधि स्थिति पाया है. फिर इनका कलर गोल्डन कलर में चेंज होना शुरू हुआ है. फिर ये कॉस्मिक एनर्जी अबॉन्डेंटली, जैसे हम पानी पी रहे ना, वैसा कॉस्मिक एनर्जी को अबॉन्डेंटली लेना. और इनका सोल ऑलरेडी अंदर जितने भी डीएनए के अंदर है और कॉस्मिक के अंदर, अभी मुझे कई इंट्यूशन आके, मैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में ही इतनी सारे क्लासेस बोल रही हूँ, मैं छोटे मोटे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने वाले में ही इतनी क्लासेस बोल रही डिफरेंट सब्जेक्ट में, जो इतना बड़ा एनर्जी जब सामने वाला पाया था, तो हर तल की इंफॉर्मेशन, हर जगह की इंफॉर्मेशन और इनकी ऑलरेडी सोल ने पास्ट लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया, वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज एवरीथिंग एक ही बार में इनको ओपन होना शुरू हो गए हैं. ओके, सो सौरभ समाधि स्थिति इन्होंने पाया था. फिर वो धीरे धीरे गोल्डन कलर में बाबा जी चेंज होना शुरू हुआ था. फिर फर्स्ट महावतार बाबा जी, महावतार बाबा जी की नेक्स्ट परंपर है लहरी महाशया. लहरी महाशया, फिर लहरी महाशया को आप संसार में रहते ही लोगों को कैसे उद्धारण करना है समझाने के लिए फिर नेक्स्ट परंपरा आई है. वहां से स्वामी श्री युक्तेश्वर, लहर महाशय ने यही एनर्जी को फिर स्वामी श्री युक्तेश्वरा को ट्रांसफर किया था. फिर स्वामी युक्तेश्वरा से नेक्स्ट परमहंस योगानंदा, ये तो आप बहुत सारे लोग जानते हो, है ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी. फिर इसमें भी बहुत सारे ऐसी क्रियाओं के बारे में, महावतार जी की, बाबा जी के बारे में योगानंद जी ने उस बुक में इनके कई इंफॉर्मेशन बताए थे. तो ये एनर्जी की परंपरा, ये प्रैक्टिस ऐसा धीरे 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 सब लोगों के पास आ रही. इनकी कई मिशन है, मीन्स आश्रम है, वहां लाखों लोगों को ये सिखाया जा रहे हैं आजकल, है ना. इसके बाद फिर अभी स्वामी शंकरानंदा,
फिर नेक्स्ट इनका परंपरा में स्वामी शंकरानंदा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, ये पूरा क्रिया योगा 150 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन। अब हमने महावतार बाबा जी को पकड़ लिया, मगर क्या करके महावतार बाबा जी इतना महान हुआ वो नहीं पकड़ा आज तक हम। अब पकड़ेंगे हम भी आपको, अब छोड़ेंगे थोड़ी, अब पकड़ेंगे। सो दिस इज वासी योगा सीक्रेट्स। ये वासी योगा कैसे करना धीरे धीरे इसका भी मैं करेंगे, ये प्रैक्टिस भी हम जल्दी करेंगे। ओके, दिस हेल्प्स वन टू लिव लॉन्ग लाइफ अंटिल द अर्थ डिस्ट्रॉयज। तब भी हम डिस्ट्रॉय नहीं होएंगे, अर्थ डिस्ट्रॉय होएगा, हम तो फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। इतनी पावरफुल वो है या वास योगा। एंड द नेक्स्ट, दिस इज ईडा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी। मीन्स मैं इसलिए बनाए थे कि कई लोगों को आइडिया हो या नहीं हो, ये मूलाधार चक्र है, ये ऐसा ये नाड़ी शोधना होती रहती है। ओके, ये ऑरेंज कलर में जो स्नेक जा रही है और एक व्हाइट कलर में जो स्नेक जा रही है, ओके, इसको हम सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। ये एक एक चक्रा की स्थिति में भेदन होते हुए ये इधर सुषुम्नाड़ी जो थर्ड आई की प्लेस में, ये दोनों स्नेक्स आप देख रहे हो ना, ये सुषुम्नाड़ी के पास आके रुकती हैं। ओके, तभी हमारा ये हाइपोथैलेमस थर्ड आई जो क्राउन बिंदु, ओके, ये पॉइंट ऑफ एनलाइटमेंट है, एवरीथिंग इधर ही आपको आके रुकती है। तो नॉर्मली हम ओनली कॉस्मिक एनर्जी हम सोच रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी इज द बेस, कहीं भी आप जाइए एबीसीडी इज द बेस, मगर उसी एबीसीडी के थ्रू ही अक्षर के समुदाय में हम इंजीनियर भी पढ़ सकते हैं, डॉक्टर भी पढ़ सकते हैं। ये एबीसीडी नहीं आता है तो हम इंजीनियर डॉक्टर नहीं पढ़ सकते, मगर ये अक्षरों के समुदाय ही एबीसीडी ए से जेड तक इन अक्षरों हमको आता है तो डॉक्टर भी पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो मगर बेस क्या है, कॉस्मिक एनर्जी है लाइक एबीसीडी, मगर इसके साथ और आगे जो आपको यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे एनर्जीज है। ओके, अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट, दिस इज द कंप्लीट पूर्ण रूप ऑफ सुब्रमण्येश्वर स्वामी। इस सुब्रमण्येश्वर स्वामी को 6 फेसेस भी रहता है, इसको क्या बोलते हैं, षण्मुखा, षण्मुखा भी बोलते हैं, षण्मुखा। ओके, सो इनको 6 फेसेस रहती है और ये वल्ली और देवसेना है। वल्ली देवी इज कौन है, सर्प रूपिणी, मीन्स ये अगेन आदिशेषु की वो स्नर, उनको हम डॉटर ऑफ स्नेक्स बोल सकते हैं। ओके, सो ये सर्प रूपिणी है, जब इनको शादी किया था तो तभी ये सुब्रमण्येश्वर स्वामी को स्नेक के रूप, जब चाहो तब वो स्नेक के रूप पाया गया है। और सुब्रमण्येश्वर स्वामी के पास कंपल्सरी पीकॉक रहती है, वो पीकॉक की साउंड सुन के स्नेक्स, तो दुष्ट स्नेक्स, स्नेक्स में भी अगेन दो जात होते हैं, एक तो हायर डायमेंशन वाला स्नेक्स होते हैं, एक तो लोअर डायमेंशन वाला होते हैं, नाग और सांप। ओके, सो ये नेगेटिव कोई भी चीज है तो हमारे पास आ ही नहीं सकते इनके साउंड सुन के। किसी कभी ये सर्पदोष, काल सर्पदोष, कुछ दोष ऐसी चीजें हैं तो बैड स्नेक्स है जो इनके पीछे पड़ते हैं, उनको संहार करने के लिए द मेन एनिमल इज पीकॉक। ओके, तो ये एनिमल स्पिरिट्स में कभी क्लास बोलेंगे तो मैं आपको इस पीकॉक के बारे में बोलती हूँ। ओके, एंड एक तो वल्ली देवी है जो स्नेक की रूप है, दूसरा देवसेना इंद्राणी देवी की बेटी है। इंद्राणी के बारे में आप सब लोगों को मालूम है, मैं पीएमसी जयपुर में क्लासेस है, तो जो चाहो यूनिवर्स में जो भी गिफ्ट चाहो वो मिलने की, वो देने की कौन है, इंद्राणी देवी है। ओके, सो उनकी बेटी है देवसेना। आप बाहुबली पिक्चर में सुने होंगे ना देवसेना, यस, सो शी इज देवसेना, दिस शी इज द रियल देवसेना। और सारे देवताओं की सेनाधिपति कुमार स्वामी है, देवताओं को भी आपद आती है तो यही है वो उनको प्रोटेक्ट करने वाले हाईएस्ट एनर्जी, उस एनर्जी को हम हमारे अंदर ले रहे हैं।
एंड सुब्रमण्येश्वर स्वामी की 24 टेम्पल्स हैं, तो बहुत फेमस है. एंड द लास्ट थिंग इज, हमको ये सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो करके हम आगे जाना है, तो कौन है, क्यों है हम ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे हैं? कई लोग इस स्पिरिचुअलिटी में क्यों आया, अपने प्रॉब्लम्स की वजह आया है ना? और ये प्रॉब्लम्स हमारे पास क्यों आई है? जो एनर्जी चाहिए हमको वो एनर्जी नहीं है, इसकी वजह हमारे से जो नकारात्मक नेगेटिव शक्ति हमारे ऊपर हमको इफेक्ट कर रहे हैं. प्रॉब्लम्स इन मैरिजेस, क्वारल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डाइवर्स, लॉस ऑफ रिलेशनशिप, अर्ली डेथ ऑफ ए पार्टनर, विडो, वायलेंस इन पार्टनरशिप, डिले इन मैरिजेस, लोनलीनेस, लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पार्टनर, बिजनेस प्रॉब्लम, लॉसेस ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड, बैड ड्रीम्स, ये सब क्यों परेशानी है? ये सब हमारे इंसान की परेशानी नहीं, इंसान के ऊपर कुछ और नेगेटिविटी आते हैं तो वो नेगेटिविटी से हम फाइट कर रहे हैं. हमारा सोल दिन रात इन टाइप की नेगेटिविटियों से फाइट करती रहती है. और ये सारे असर कहाँ पड़ती है? पेट के ऊपर, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर पड़ती है. इन सब चीजों से हमको फाइट करने के लिए क्या चाहिए? एक हाईएस्ट पावर चाहिए. वो पावर कौन है? एक तो हनुमान जी और दूसरा मंगल ग्रह. जो जनरली अभी देखिए, वी हैव ग्रोन अप ए लॉट. अभी हम जनरली यूनिवर्सल एनर्जी सब लोग बोलते हैं, मगर यूनिवर्स में लाख करोड़ों टाइप ऑफ एनर्जीज है. अभी हम एटलीस्ट हजारों एनर्जीज को तो जाने, ऐसे नहीं है हर प्रॉब्लम आता है यूनिवर्सल एनर्जी, ऐसा यूज मत करना. अभी मैंने आपको गिफ्ट चाहिए तो इंद्रानी देवी के बताया था, कॉस्मिक एनर्जी लेना है तो कॉस्मिक मदर अदिति देवी की एनर्जी बताया है ना. ऐसा हर चीज की, हर एनर्जी मैंने आपको बहुत सारे चीजें बताया था. ऐसा ही आज एक बहुत हाई वोल्टेज की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं. जब इन टाइप, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपके हैं तो आपको फाइट करने के लिए ओनली, ऐसा मत बोले यूनिवर्सल एनर्जी, तो आप बुलाओगे तो आप जैसे रोड में खड़े होके भाई साहब बोल के बुलाओगे, कोई ना कोई यूं तो करेगा, मगर आप किसको बुलाना चाह रहे हो और आपके लिए कौन है, मदद करते हैं पर्टिकुलर है उनको बुलाइए ना. डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा नहीं कॉम्पाउंडर को बुला रहे हो. और टाइम भी वही लग रही है और मेहनत भी लग रही है और आपका काम भी नहीं हो रहा है. सो दिस इज द परफेक्ट एनर्जी. एक नेगेटिव इविल्स, इन चीजों से हम परेशान हैं तो हनुमान जी की एनर्जी यूज करते हैं. और हमारे लाइफ में ये भाई आंदोलन, डाइवर्स, इन चीजों से हम फाइट कर रहे हैं. हाँ, बल्कि हमने पास्ट लाइफ में कोई गलती करने के बावजूद भी अभी हम आगे जाना चाहते हैं, उन नेगेटिविटी को कट करने के लिए हम मंगल ग्रह की एनर्जी, मार्स, यूनिवर्स में से ये पर्टिकुलर इसी एनर्जी को हम यूज करके, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हमारा कुंडलिनी शक्ति में इस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करके, यहां से हम कुंडलिनी शक्ति से रेस करवा के हमारा सुषुम्न नाड़ी तक इसको रेस करवा के, फिर हमारे पास हर एक नेगेटिविटी को हम काटते हैं. ये ऐसा नहीं है कुंडली में कुछ दोष ही होना चाहिए, वो दोष जैसे दिखने की जरूरत नहीं है. और स्पिरिचुअलिटी में हाईएस्ट टॉप मोस्ट रेंज पे जाने के लिए आपको एक जो पावर चाहिए ना, वो पावर ही ये मंगल ग्रह देती है. सो बाबा जी ने क्या प्रैक्टिस किया? वासी योगा. सो वो ही एनर्जी है अभी हजारों लोगों में ये ट्रांसफर होके अभी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है. फिर ऐसा नहीं है आप लोग सोचते हैं जैसे चुम मंत्र हो जाएगी रातों रात, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो चुम मंत्र होके कुछ और रात को रात हो जाती है. हाँ, सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मगर उस मेहनत के साथ कुछ सेंस भी ऐड कीजिए है ना, तो वो ज्यादा आपको फायदा देती है.
So Mangal Grah ki energies are very, very powerful. And Subramanyaswar Swami ki energies are very powerful. Tabhi to India ko hum kya bola? Karma Bhumi. Yahan se India mein jo bhi insaan paida hua hai, wo swargalok jana chahte hain, tapolok jana chahte hain, sachche log jana chahte hain. To yahan bete bete hi वो कहीं भी ऊर्ध्वलोक में कहीं भी वो ट्रैवल करके आ सकते हैं. तभी तो इनको स्वादिष्टान चक्र की स्थिति में है इंडिया. तभी तो इसको कर्म भूमि कहा गया है. और यहां से लाखों ऋषियों मुनियों ने तपस्या करके फिजिकल बॉडी के साथ ही फिर स्वर्गलोक तक भी जाके वहां की खबरें लेके नीचे आके फिर कई जगह व्रत के बारे में और कई पुण्य क्षेत्रों के बारे में मंत्रों के बारे में लिखा था. और इतना इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मिली है. सो अभी हम एक बार और, लास्ट फ्राइडे को किया था हमने, अभी एक बार और मंगल की एनर्जीज के थ्रू और उनको इनवाइट करके और इनके नक्षत्राओं को भी इनवाइट करके हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे. ओके, क्लोज योर आईज. मैं अपनी पूर्ण आत्मा से अनुसंधान हूं. 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 सहोदर बाबा जी की कंप्लीट एनर्जीज के साथ आज से इनकी गाइडेंस से मेरी सोल कंप्लीट एंसेस्ट्रल की एनर्जी एंड माय डीएनए एंड ऑल द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑल द पास्ट एक्सपीरियंसेस आर अंडर कंट्रोल. अभी तक आपके एंसेस्टर्स के थ्रू जो भी डीएनए से जेनेटिक से पास होके जितने भी नेगेटिविटी आपकी बॉडी के अंदर है, कर्म है, श्राप है, कर्स है, नेगेटिव कार्मिक सिंस है, और आपकी सोल ने पास्ट लाइफ में जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी बैड कर्मास किया है, ईच एंड एवरीथिंग महावतार बाबा जी की स्पिरिचुअल गाइडेंस के थ्रू और अगस्त्य महामुनि की ब्लेसिंग्स के थ्रू और मंगल ग्रह की एनर्जीज सुब्रमण्यस्वर स्वामी की शक्ति से हमारा फिजिकल बॉडी में से सोल में से ऑल द नेगेटिविटीज आर गोइंग टू वैनिश. हर एक तरीका की नकारात्मक शक्ति को हमारा शरीर में से और एस्ट्रल बॉडी में से कंप्लीट रिमूव करने की नॉलेज एंड एनर्जी हमको मिल रही है बिना किसी डाउट का. Just surrender yourself to these higher beings. Alli Devasena Samita.
सुब्रमण्येश्वर स्वामी की एनर्जीज हमारा हर एक चक्र में ट्रांसफॉर्म हो रही हो, हर एक सेल के अंदर जो भी अनवांटेड मेमोरी है डिलीट करने के लिए, सेल क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए मंगल ग्रह का एनर्जीज फायर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हमारा सोल कंप्लीट महावतार बाबा जी की गाइडेंस पे चल रहे हैं। ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फील्स आर गिवन बाय महावतार बाबा जी टू अस।
ओके फ्रेंड्स, धीरे धीरे एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। धीरे धीरे एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। ऑल योर चक्रास आर गेटिंग एक्टिव। Each and every cell is filled with divine energy. Hamara soul and physical body only higher beings, masters ki guidance mein aur navagraha ki nakshatron ki energies and universal energies and cosmic power light ke saath फिल हो गए हैं। हमारा कंप्लीट ऑरा वेरी स्ट्रॉन्ग शील्ड है, स्ट्रॉन्ग शील्डेड है। हम हायर टू हायर अचीवमेंट्स के लिए इस धरती के ऊपर जन्म लिया है। Not for the sorrows. धीरे धीरे balance your energies. Make yourself comfortable and happy. आपके दोनों हाथ आपकी आंख के ऊपर रखे मुस्कुराते हुए और धन्यवाद कहते हुए फॉर ऑल द ऋषिस, ऑल द परंपरास ऑफ गुरुस एंड ऑल द ग्रहास एंड द रूलर्स ऑफ द यूनिवर्स।